दोस्तों आज मेरे चैनल पर 200 सब्सक्राइबर पार हो चुके हैं और ये सब आपके प्यार और आपकी मोहब्बत से हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे YouTube चैनल पर लगभग 200 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। ये लोग भाई भी मेरे साथ ऑटो में बैठे हुए हैं और मैंने इनसे अपना चैनल सब्सक्राइब करवाया है। भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलेंगे भाई? भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आपका ये वीडियो शाम को YouTube पर आएगा, ज़रूर देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं आज मैं अपने घर पर ही हूँ। मैं सुबह देर से उठा था क्योंकि मेरे दांत में बहुत दर्द है। मैं कल तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी, दर्द की दवाई। मैंने रात वो दवाई खाई थी, दवाई खाने के बाद मैं लेट गया था बिस्तर पर और फिर मेरी सुबह आँख नहीं खुल पाई, इसलिए मैं सुबह नहीं उठ पाया और काम पर भी नहीं जा पाया और मैं ब्लॉग बनाने बैठ गया। आज मैं आपको अपना घर दिखाने वाला हूँ। जैसा कि मैं एक छोटा मोटा इंसान हूँ तो घर भी छोटा मोटा ही है। मेरी पूरी ज़िंदगी आपके सामने है तो मेरा घर भी आपके सामने होना चाहिए। तो लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना घर। दोस्तों आपको ट्रेन के चलने की आवाज़ आ रही होगी, मेरे घर के पीछे ट्रेन की पटरी है। घर तो जैसा भी है, शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने घर में रहने का मौका दिया है, वरना लाखों लोग तो ऐसे हैं जिनके पास घर भी नहीं है और सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है, फुटपाथों पर सोते हैं। मैं खुदा का शुक्र मनाता हूँ कि उसने मुझे रहने के लिए एक घर दिया है। हाँ थोड़ा छोटा है, थोड़ा पुराना है, थोड़ा टूटा हुआ है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है और ज़िंदगी मज़े से गुजर रही है। तो वक्त की रोटी खाने को चैन से मिल जाती है, आरओ का पानी भी मिल जाता पीने को, बच्चे हैं वो सब खुशहाल हैं, कामों पे लगे हुए अपने अपने, और कभी वक्त बदलेगा तो घर भी बदलेंगे ज़रूर, उम्मीद है इस बात की। हिम्मत तो कभी टूटती नहीं है मेरी और ना ही कभी तोड़ूंगा, किसी भी हालात में रहूँगा, खुद को मजबूत ही बनाए रखूँगा। ये जो YouTube का मैंने चैनल बनाया है ये चैनल नहीं है, मेरा सपना है, इसे मैं कभी बंद नहीं करूँगा। मेरी ज़िंदगी के हालात आपके सामने आते रहेंगे, बार बार आपसे मुलाकात करता रहूँगा। आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहिएगा कि ज़िंदगी के जो दिन मैंने बदहाली के साथ गुजार दिए हैं आगे खुशहाली मेरे नसीब में ज़रूर आए। ऐसी आप लोग दुआ करिएगा और मैं मेहनत करूँगा। तो देख दोस्तों 9:30 बज चुके हैं और अरशद बाबू सोकर उठ गए हैं। आप सोच रहे होंगे ये स्कूल नहीं गए, तो मैं आपको बता दूँ 1 महीने के बाद इनका एडमिशन होना है और अभी ये फ़िलहाल आंगनवाड़ी पढ़ने जाते हैं। आप देख सकते हैं ये कैसी सुस्ती में बैठे हुए हैं, पर अब इनको थोड़ी सी हंसी आने को तैयार है, आंखें मिचमिचा रहे हैं। अब ये जाने वाले हैं आंगनवाड़ी पढ़ने के लिए, 1 महीने बाद इनका एडमिशन हो जाएगा सरकारी स्कूल में और फिर ये पढ़ने जाएंगे। कम से कम आप इन्हें बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए। मेरे सारे दोस्तों ये है हमारा छोटा सा प्यारा प्यारा अरशद। आप मोबाइल चला दो, आज के टाइम में कौन नहीं चलाता मोबाइल। आपके मोबाइल में यूट्यूब है? यूट्यूब भी है। प्लीज़ आप मेरा एक चैनल सब्सक्राइब कर देंगे? बताइए कौन सा। आप मोबाइल निकालिए मैं बताता हूँ आपको। बताइए देखिए एफ आई एल एम ओ जी आर ए पी आई स्पेस बी आई सी ए वाई ओके फिल्मोग्राफी विक्की ओके ओके बहुत बहुत थैंक यू अब मेरे वीडियो आएंगे आपके पास, आप लाइक ज़रूर कर देना, याद करके लाइक आप प्लीज करेंगे ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।